हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के लिए 10th चैप्टर जो कि सर्कल का चैप्टर है, उसमें 10.2 एक्सरसाइज में से आज हम 6th क्वेश्चन और आगे के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, 10.2 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ए कोई एक्सटर्नल पॉइंट हुआ इसका मतलब, क्योंकि उसी से टेंजेंट बन रहा है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ए जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है। और उस टेंजेंट की लेंथ, यानी कि अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ रहा है वो यहाँ पर बात चल रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करती है, और हमें यहाँ पर ये जो रेडियस है वो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एक्चुअली दिया क्या गया है, इसमें एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, कि ये एक कोई रिक्वायर्ड सर्कल है और यहाँ से ये एक कोई टेंजेंट है फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके, अब ये दिया गया है कि भाई जो ए पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ध्यान से पढ़िएगा, देखिए, पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, है ना। सो कुछ ऐसा सा फिगर बना। अब अगर हम इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देते हैं, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है, तो ये क्या बन गया, एक रेडियस बन गया, है ना। और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, ये ओ पी। तो देखिए, फिगर कुछ ऐसा बना। हमें सिंपली क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो वी नो दैट वाली लाइन ही फिर से लिखनी पड़ेगी, कि वी नो दैट the angle between radius and tangent, लेकिन कहाँ, at the point of contact क्या होता है, is 90 degree। therefore यानी कि ये जो ओ पी ए ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल है, ओ ए पी। ओके, सो इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये ओ ए, सो ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर एंड ओ पी स्क्वेयर। अब बची हुई दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर हुई, है ना। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो अब जिसकी जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओ ए 5g1 है, ए पी 4g1 है, एंड ओ पी रिक्वायर्ड है, रेडियस बताना है ना। तो 5 square 25, 4 square 16, एंड ओ पी स्क्वेयर रिक्वायर्ड है। 16 को शिफ्ट कर ले, 16 इधर आ जाएगा, ओ पी स्क्वेयर, सो 25 minus 16 9। सो ओ पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, और वहाँ से स्क्वेयर हटाएंगे तो रूट लगेगा, और 9 का रूट 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मेजरमेंट चल रही थी। तो अब जिस वे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उसी वे में इसका आंसर कर देते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, इज 3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल जो
सेम सेंटर पर बनते हैं, है ना। मान लीजिए ये दो सर्कल हैं और दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, तो इस तरह के सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। तो ये कहते हैं दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 है और एक का 3 रेडियस है। सो हमें लेंथ ऑफ कोर्ड निकालनी है ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल पर कोई भी एक कोर्ड हमें लेकर चलनी है जो टच कर रही है किसको, स्मॉलर सर्कल को, जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। यानी कि स्मॉलर सर्कल के लिए तो ये वाली टेंजेंट क्या कहलाए, सॉरी ये वाली जो कोर्ड है वो क्या कहलाए, एज ए टेंजेंट, है ना। और बड़े वाले सर्कल के लिए ये क्या कहलाए, एक कोर्ड, ठीक है। तो हमें इस तरह का कोई एडजस्टमेंट से इसको फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी जो लेंथ है उस लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन, दो सर्कल लेकर चलते हैं, एक ये लेकर चलते हैं और एक को कोई ऐसा ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए लगभग ठीक है, काम चल जाएगा अपना। अब थोड़ा सा ठीक है। सो अब ऐसा करते हैं कि बड़े सर्कल पर एक कोई कोड लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए उस कोड को हमने बोल दिया AB, तो वो छोटे सर्कल को कहीं टच कर रहा है पी पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। दैट मीन्स कि ये AB छोटे सर्कल के लिए क्या कहला रही है, एक टेंजेंट कहलाएगी, है ना। ये कोई हम सेंटर मान लेते हैं इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। तो देखिए हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस दिया गया है जो कि कितना है 5 है, और एक जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस दिया गया है जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर है, है ना। यस इट इज़ 3। सो अब हमें इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली देखिए फिर से हमारे पास ये यहाँ पर रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। तो हम ऐसा करते हैं, ये इस लास्ट क्वेश्चन से इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये फिर से सो तो करना ही है। ओके सो वो चीज़ हम यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। वी नो दैट कि भाई इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो इतने डिग्री का बनता है। सो अब हम एक कंस्ट्रक्शन लेकर चलते हैं कि जॉइन OA OP एंड साथ साथ हम OB को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने OB को भी ज्वाइन कर लिया। तो इसकी ज्वाइन करने की वजह से अब हमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो उससे क्या होगा, हम AP और ये जो BP है इन दोनों की लेंथ को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। तो उसी को हम अब लेकर चलते हैं इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। सो दोनों में देखिए OP जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। एंड OA और OB जो है वो क्या हो गए, रेडी ऑफ सेम सर्कल हो गए, सेम सर्कल्स, है ना। एंड साथ साथ एंगल OPA एंड एंगल OPB दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, है ना, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ये जो ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP हैं वो दोनों कैसे हो गए, कॉन्कुरेंट हो गए। क्यों हो गए, बाय RHS क्राइटेरिया, है ना, RHS क्राइटेरिया। ओके सो अब यहाँ से डिसीजन क्या लेना चाहते थे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AP और BP की जो लेंथ है वो आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। कैसे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हम इसी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल OAP या OBP में पाइथागोरस लगाना है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल OAP, तो यहाँ पर OA जो है वो हाइपोटेन्यूस है और AP रिक्वायर्ड है और OP परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो ये कितना है 5 एंड AP रिक्वायर्ड है और OP कितना गिवन है, 3 गिवन है, है ना। सो 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, देखिए 5
का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर ले माइनस 9, जो कि कितना आ गया ap स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास 16, है ना। तो जब हम स्क्वायर से ap की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, तो ap की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पूरी ab को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें ab रिक्वायर्ड है। सो ab को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ap प्लस bp, है ना। जबकि ap और bp तो क्या आपस में इक्वल है, तो उनको हम BP के रिप्लेसमेंट में फिर से AP ही लिख दें और रेफरेंस दे देते हैं भाई, कहाँ से, फ्रॉम 1 से। तो अब ये क्या हो गया, ये 2 टाइम AP हो गया। लेकिन फिर हम फ्रॉम 2 से क्या कर सकते हैं, इस AP के रिप्लेसमेंट में ये 4 रख सकते हैं, है ना। फ्रॉम 2 उसका रेफरेंस आ गया, यानी कि बेसिकली जो AB है वो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास कोड है, लेंथ ऑफ कोड, वो क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड ऑफ बिगर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, वो कितनी है, उसकी लेंथ क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी वे में हमें आंसर भी करना होता है। अब से ये क्वेश्चन समझ आया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रा टू सर्कमस्क्राइब। देखिए सर्कमस्क्राइब एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसा फिगर फिलहाल ये किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल को, कौन, एक क्वाड्रिलेटरल। उसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एक सर्कल है, लेकिन अंदर होने के साथ साथ वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि वो उस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसी का मतलब है सर्कमस्क्राइब। अगर यहाँ पर इंटीरियर में बोलता है तो उस कंडीशन में देखिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसके इंटीरियर में इस तरह भी एक सर्कल हो सकता है, यहाँ भी एक सर्कल हो सकता है, लेकिन उन सर्कल्स को हम सर्कमस्क्राइब सर्कल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है एक ऐसा ये सर्कल जो इस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को टच करे, सभी को टच करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, सो प्रूव दैट AB और CD, ऑब्जर्व कीजिए AB और CD जो हैं वो इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है, इनका एडिशन एंड AD एंड BC इन दोनों का भी एडिशन हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ओके, सो ऐसा करते हैं, पहले एक फिगर जो है ऐसा तैयार कर लेते हैं, फिर आगे लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान लीजिए ये वो सर्कल है और यहाँ ये हम एक अपना क्वाड्रिलेटरल तैयार करते हैं। ओके, रफली ही बनाना है हमें भी। चलिए एक इधर लेके चल पड़ते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और एक ये। ओके, सो नेमिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग हम दे देते हैं, ABCD एंड PQ, RS, ABC एंड D, एंड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको इन्होंने PQ एंड R एंड S बोला है। ठीक है, सो अब हमें प्रूव क्या करना है कि भाई ऑपोजिट साइड्स का जो एडिशन है वो क्या हो, इक्वल हो। ओके, सो गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास बस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, बस इतना ही हमें पता है। ओके, एंड ऐसा कर लेते हैं कि भाई ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर के साथ एक सर्कल भी हमें पता है। ओके, सो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमें दिखाना है भाई ए बी
एंड सी डी इन ऑपोजिट साइड का एडिशन, इन द सेम वे ए डी एंड बी सी ऑपोजिट साइड का एडिशन आपस में इक्वल शो करना है. ओके सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ स्टार्ट करते वक्त हम साथ में क्या लेकर चलेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको इस सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं. ओके सो ज्वाइन करके आप देखिए कि कैसी क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है. बाकी चलिए एक दूसरा तरीका करते हैं, उसमें हमें इसकी कंस्ट्रक्शन की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं होगी. हम ऐसा करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट वाला तरीका यूज़ करते हैं. वी नो दैट अब हमें एक थ्योरम जो है वो करके आए थे. क्या वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल क्या होती है, आर इक्वल, है ना, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, और इनसे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं जैसे ए से ए पी और ए एस, ये दो टेंजेंट बन रहे हैं, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी, न्यू किलोग्राम. ओके पता नहीं स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है ना, सही थी वही नया स्पेलिंग, कई बार हो जाती है मिस्टेक. सो देखिए अब हम उसकी हेल्प से बोल सकते हैं, देयरफोर ए से दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक तो ए पी एंड ए एस, दोनों की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, इसको हम बोल देते हैं वन, है ना. फिर अब अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, बी पी एंड बी क्यू, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, इसको टू बोल देते हैं. ओके अब सी पॉइंट की बारी. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए हम आगे जाके एक एक करके यहाँ पर चार इक्वेशंस बनने वाली हैं, ठीक है, और उन चारों इक्वेशंस को हम आपस में क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं. तो ऐड करते वक्त हमें लेफ़्ट साइड को आपस में ऐड करना होता है और राइट साइड को आपस में ऐड करना होता है, ठीक है. तो अगर हम ए बी की जो दो पार्टीशन है ए पी और बी पी, इन दोनों को लेफ्ट में रखें और साथ साथ सी डी के जो पार्टीशन है सी आर एंड डी आर, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में रखेंगे तभी तो वो आपस में जुड़ पाएंगे और हमें इन दोनों का एडिशन मिल पाएगा, है ना. सो अब सी क्यू और सी आर को लिखते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है कि सी क्यू अब इधर ना रखें क्योंकि क्यू से रिलेटेड ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो राइट साइड में है, ठीक है. सो सी क्यू आप रखें राइट में और सी आर लेफ्ट में, एंड देन डी से हमारे पास डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है. सो अब हम क्या करने वाले हैं, इन चारों को आपस में ऐड करने वाले हैं. एडिंग इक्वेशंस वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड्स आपस में ऐड होंगी और बीच में इक्वल चलता रहेगा, एंड राइट साइड्स आपस में ऐड होंगी, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. ओके सो अब हम थोड़ी सी ग्रुपिंग दिखा देते हैं कि किनको हम आपस में ऐड करेंगे. सी आर एंड डी आर को आपस में ऐड करना चाहते हैं, इन द सेम वे ए एस और इधर से ये डी एस को आपस में ऐड करना चाहते हैं, एंड बी क्यू एंड सी क्यू को आपस में ऐड करना चाहते हैं. तो ये ए बी, ए पी और बी पी आपस में ऐड होकर क्या बन जाएगा, ए बी ही बन जाएगा, है ना. और सी आर और डी आर आपस में देखिए क्या बनेंगे, ये दोनों मिलकर ए डी बन, सी डी बन जाएंगे, इज इक्वल टू. अब ए एस और डी एस को देखिए, ए एस की लेंथ ही है, डी एस की लेंथ ही है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा ए डी बन जाएगा, एंड इन द सेम वे ये बन जाएगा हमारे पास बी सी. और देखिए हमें यही तो प्रूव करना था, है ना. तो
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। होप सो आपको जो क्वेश्चंस हैं आज वाले क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।